जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री ने अभी जो बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, पाकिस्तान को जो करारा तमाचा जड़ा है ना, उससे साफ प्रतीत होता है कि वक्त आने पर भारत सरकार और भारतीय सेना दुनिया को चौंकाने वाले निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगी। बल्कि जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि कोई भी भारत को उकसाने की कोशिश ना करे, वरना नियमों का उल्लंघन करना भारत भी अच्छी तरीके से जानता है। तो बढ़िया स्टेटमेंट विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जारी की है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए अपनी स्टेटमेंट जारी की है। दरअसल एक पत्रकार ने विदेश मंत्री से ये पूछा कि आज जैसे हालत इजराइल में है, यानी जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर लगातार हमले करते रहते हैं, वैसी परिस्थिति अगर भारत में पैदा हुई, अगर पीओके में से भारत पर रॉकेट्स दागे गए, तो इस पर भारत की जवाबी कार्यवाही क्या होगी। इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि ऐसे जिहादियों का खात्मा करते समय हम नियम नहीं देखेंगे। विदेश मंत्री के मुताबिक अगर भारत पर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा देश भी पीछे नहीं हटेगा। हमारे पास जो मिसाइल्स और रॉकेट्स के भंडार पड़े हैं, उसे हमने दिवाली के लिए नहीं रखे। उन्होंने ये कहा कि चूंकि जिहादी नियमों के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे लिए भी उनका जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। 2008 में जब मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो तब की तत्कालीन यूपीए सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ था। उसी वक्त अगर तत्काल कोई बड़ी कार्यवाही पाकिस्तान पर की जाती तो दोबारा ऐसे हमले करने के बारे में पाकिस्तान सोचता भी नहीं, जैसे कि आज नहीं सोचता। आज पाकिस्तान की हिम्मत इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आज के समय भारत पर बड़ा अटैक करना मतलब पाकिस्तान का विनाश करने जैसा है। आज भारत सुधरो या मरो पॉलिसी पर काम कर रहा है। हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही कह दिया है कि पहला अपना आतंकवाद जड़ से खत्म करो, फिर हमसे बायलेटरल मीटिंग्स करे। आपके जिहादी कोई मेहमान नहीं जिनकी आरती उतार कर अतिथि देवो भव करेंगे, बल्कि AK-203 से शूट करेंगे। विदेश मंत्री ने आखिर में ये कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाहता तो हमारे साथ मिलकर यह मुल्क बहुत तरक्की कर सकता था, जैसे कि आज दूसरे मुस्लिम देश कर चुके हैं, लेकिन इसने ISIS को चुना और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने में हमें हिचकिचाहट होती है। आप ही बताइए कि आतंकवाद के साथ बैठकर कैसे तरक्की की बातें करें। तो अब यह पाकिस्तान को डिसाइड करने दो कि उसे तरक्की चाहिए या फिर जिहादी, वरना हमारी मिसाइलें तो तैयार है। खैर दोस्तों, आप बताइए कि पाकिस्तान सुधरेगा भी या नहीं, प्लीज अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।